क्या हुआ नाजिया, फिर से बुखार हो गया क्या? मैं क्या बच्ची हूँ जो बुखार होने पे रोऊंगी? फिर अम्मी ने कुछ कह दिया? हाँ। अब क्या कह दिया? यखनी पी लो, जो शानदा पी लो, अरे दवा तो लो, अंडे उबाल दो, अरे स्वेटर क्यों नहीं पहना? ये कहा है तो इसमें रोने की क्या बात है? तो ये खुशी के आंसू है? इसी बात का तो रोना है कि उन्होंने ये सब मुझसे नहीं माहीन से कहा है, जैसे कि वो ही बीमार होती है, मैं तो कुछ हुई नहीं। यार तुम नीचे जाती क्यों हो? हाँ, कैद कर दो मुझे इन दो कमरों में। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी मनहूस शक्ल नीचे ले जाकर उनका बीपी हाई करने का। अगर ना जाऊं तो सवाल अलग, मिलती नहीं है, सलाम दुआ करने की रवादार नहीं है, और अगर चली जाऊं तो मुझे देखते ही माहीन से लाड शुरू। मैं पूछती हूँ क्या मैं कभी बीमार हुई? मुझसे तो ऐसे कभी लाड नहीं किया उन्होंने। अच्छा तुम यहाँ बैठो, आओ आओ ना, बैठो तो सही, प्लीज आओ बैठो। अच्छा मैंने पूछा ना, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आज ऑफिस की छुट्टी की। अच्छा ये बताओ कि शॉपिंग पे ले जाऊं तो? नहीं, तुम्हारी अम्मी से मिलवा लाऊं? बिल्कुल भी नहीं, उधर गई तो मुझे देखते ही वो समझ जाएंगी कि मैं खुश नहीं हूं, और फिर उनके ताने। देख लिया मोहब्बत की शादी का नतीजा। अच्छा तो फिर कहीं घूमने निकल जाते? हाँ तुम्हें मूवी दिखा लाता हूं ना। रोशनी, ओ रोशनी कहाँ चली गई? रोशनी रोशनी, कहाँ जा रही हो? मूवी देखने जा रही हूँ माहीन के साथ। क्या हुआ, फिर से शक हो रहा है? आ जाए मेरे साथ, देख लीजिएगा कि माहीन ही होगी मेरे साथ। शक नहीं कर रही हूँ, अगर उसके ससुराल वाले इतने सख्त हैं तो क्या जरूरत है, क्यों दे रही है शय? बिला वजह उन लोगों को मौका मिलेगा कि सहेली आती है और फिल्में दिखाने ले जाती है उसको, वो भी ससुराल और शौहर से छुप छुप के। हम कोई छुप छुप के नहीं जा रहे, उसका शौहर हमारे साथ होगा। हाय अल्लाह, जब शोहर साथ होगा तो तेरा क्या काम है, क्यों लटक रही है उनके बीच में? अम्मी, उसका जो शोहर है ना, बहुत ही सड़ील और अकड़ू किस्म का आदमी है, सीधे मुंह बात करता नहीं है उससे। तो माहीन बेचारी मुझे कहती है कि यार मेरे साथ चल लो, उसका दिल बहल जाएगा, और वैसे भी मूवी के बाद उसका शोहर कहीं और चला जाएगा, माहीन को मेरे साथ शॉपिंग भी तो करनी है। रोशनी, वो अकड़ू है या सड़ील, उसका बंदा है, वो हालात के साथ गुजारा करे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माहीन तुझे बीच में क्यों घसीट रही है भाई, अगर अगले को बुरा लग गया फिर? एक के बाद एक एतराज। बात सारी है कि आपको है मुझ पे शक कि माहीन का नाम लेके मैं किसी और से मिलने जाती हूँ। अभी दोनों मियां बीवी मुझे पिक करेंगे, फिर ड्रॉप करेंगे, तब तो हो जाएगी ना तसल्ली। तुझे अकल की बात बताओ ना तो तू मुंह को आती है ना, तुझ में अकल है और ना ही माहीन, और वैसे भी ना आजकल की जो लड़कियां हैं ना उनमें कोई अकल नहीं है, ना सुनती है वो। तुझे जो करना है वो कर, एक बात समझ ले, अब तो मैं भी तेरी शादी के लिए बहुत दुआ करूंगी, जल्दी से तेरी शादी हो जाए ताकि मुझे सुख का सांस आए। चल हट। आमीन, अल्लाह हाफिज़।